गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 6 की साइंस की बुक को पढ़ना प्रारंभ किया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों के लक्षण के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जीवधारी है। देखिए, नाम से ही पता चलता है जीवधारी का मतलब ये हुआ कि जो जीवन को धारण करता हो, यानी कि जिसमें लाइफ प्रोसेस पाई जाती हो। तो जीवधारी का मतलब ये हुआ कि जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें लाइफ प्रोसेस पाई जाती हो, वही क्या है, जीवधारी है। अब देखिए, जीवधारी का एक मुख्य लक्षण ये है कि सभी जीवधारियों के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो आइए समझते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए, जब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म या फिर उपचय बोलते हैं। इसके विपरीत यदि कोई जटिल पदार्थ सरल अणुओं में टूटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं या फिर इसको अपचय बोलते हैं। तो उपचय और अपचय इन दोनों को ही मिलाकर के बोला जाता है उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखिए, वाइटेकर के अनुसार जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इन सभी को इनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर इनको 5 अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जीवधारियों को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में रखना, ये कहलाता है वर्गीकरण। इसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। वैसे जीवधारियों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ही वो व्यक्ति थे, वो जिन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक या वर्गीकी का जनक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, ये और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सभी जीवों के, अगर कोई प्लांट है तो उसका बॉटेनिकल नेम होता है, अगर कोई एनिमल है तो उसका जूलॉजिकल नेम होता है। प्रत्येक जीवधारी का नाम जो होता है वो दो पार्ट में लिखा जाता है। ये पद्धति किसने स्टार्ट की थी, कैरोलस लीनियस ने ही। तो द्विपद नामकरण प्रणाली या कह लीजिए कि बाइनोमियल सिस्टम के बारे में भी किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए भी कैरोलस लीनियस को जाना जाता है, इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी कैरोलस लीनियस को जाना जाता है। बात कर रहे थे हम लोग वाइटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया था इसकी, तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, इसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण। इन्होंने सभी जीवधारियों को 5 अलग अलग जगत में बांटा था। तो देखिए, इन्होंने कौन कौन से जगत बनाए हैं, कौन कौन से किंगडम इन्होंने बताए हैं। तो जो 5 किंगडम वाइटेकर के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, इनके नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आइए एक एक किंगडम को हम लोग देखते हैं। देखिए, मोनेरा, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया, यानी कि जितने भी जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, मोनेरा किंगडम में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाता है, यानी कि ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, इन्हें हम लोग कहाँ पर रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, इन सभी को हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझ लेना जरूरी है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन कोशिकाओं का न्यूक्लियस
पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, प्रिमिटिव स्टेज में होता है, उनके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोन कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, जो सुविकसित केंद्रक होता है, यानी कि इनका जो, यानी कि इनमें जो केंद्रक पाया जाता है, ये पूरी तरीके से विकसित होता है, इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि जो अच्छी तरीके से विकसित हो। तो अच्छी तरीके से विकसित होने के कारण हम इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि इनका केंद्रक अच्छी तरीके से विकसित होता है। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाली ये कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंजाई की। तो जितने भी प्रकार के कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, इनको फंजाई किंगडम में रखा गया है। इसी प्रकार से सभी प्लांट को किंगडम प्लांटी में रखा गया है और सभी एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं वायरस की। देखिए, वायरस को इनमें से किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वायरस जब किसी जीवधारी के शरीर के अंदर होता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरीके से बिहेव करता है। ये किसी सजीव के अंदर होता है तो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जब ये किसी सजीव से बाहर होता है तो ये एक इनर्ट पार्टिकल की तरीके से होता है, यानी कि ये नॉन लिविंग की तरीके से बिहेव करता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग कब होगा, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, और नॉन लिविंग कब होगा, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होगा। एक बात यहाँ पे मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, वर्गीकरण किया किस लिए जाता है। देखिए, वर्गीकरण की यदि हम लोग बात करें तो वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हमको जीवधारियों का अध्ययन करने में सुविधा हो। जीवों का अध्ययन करने में हमें सुगमता होगी, क्योंकि किसी एक वर्ग में ऐसे जीव रखे जाएंगे जिनके लक्षण काफ़ी मिलते जुलते होंगे। इसके अलावा देखिए, एक वर्ग के लक्षण जो होंगे वो दूसरे वर्ग के लक्षण से भिन्न होंगे। तो इन वर्गों के लक्षणों को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, इनके विकास का क्रम क्या रहा होगा। पहले किसी एक वर्ग के जीव कैसे पृथ्वी पर आए होंगे और फिर उनका विकास होने पर किसी दूसरे प्रकार के जीव उनसे कैसे बने होंगे, तो इससे हमको इवोल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो टैक्सोनॉमी के दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि इससे जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है, और दूसरा फायदा इसका ये है कि इससे हमें विकास का क्रम पता चलता है कि कैसे पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जीवधारियों में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि जीवधारियों की पहचान होते हैं, उनके लक्षण होते हैं जिनके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये एक जीवधारी है, यानी कि उसमें लाइफ प्रोसेस है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड्स। देखिए, जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारियों को फूड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अभी आपको बताया था कि सभी जीवधारियों के अंदर उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जो कि दो प्रकार से होती है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए, फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जीवधारी जितनी भी एक्टिविटी करता है उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, और इनको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी, फूड से। इसके अलावा जीवधारी में यदि किसी प्रकार की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने के लिए भी उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इसको कहाँ से प्राप्त होगी, फूड से। तो जितने भी जीवधारी होते हैं इन सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर की सहायता से
ये लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। तो चूंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसीलिए इनको स्वापोषी कहते हैं। लेकिन एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि इनमें विषम पोषण पाया जाता है। ये अपना भोजन दूसरे प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको फूड चाहिए, इनको ग्रोथ करने के लिए, इनको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इनको कहाँ से प्राप्त होगी? फूड में, क्योंकि फूड में ही क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से प्राप्त होती है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं ग्रोथ। देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती कैसे है आइए इसको समझते हैं। देखिए ग्रोथ होने के लिए क्या होता है कि सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजित होती हैं। पहले इनका केंद्रक विभाजित होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद फिर इनका साइटोप्लाज्म विभाजित होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और इसके बाद एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा एक कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, यदि इसमें से वाटर को निकाल दिया जाए तो जो बाकी का मटेरियल है उसका 60% प्रोटीन होता है। यानी कि वाटर के अलावा जो अदर कंटेंट इसमें होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये कितना होता है? ये लगभग 60% होता है। यानी कि अगर नई सेल का निर्माण करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किस मटेरियल की पड़ेगी? प्रोटीन की पड़ेगी। तो फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फूड से ही आपको प्रोटीन मिलेगा, तभी जो है ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी। अब जो भी फूड न्यूट्रेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी फूड न्यूट्रेंट हम लोग लेते हैं या कोई भी जीवधारी लेता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेन यूज़ होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है जिसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है। एटीपी में बॉन्ड के रूप में, केमिकल बॉन्ड के रूप में इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कहते हैं। और बाकी प्रोटीन का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? नई सेल का फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए। बढ़ते हैं अगले करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जो है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। देखिए सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, वो चाहे आक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज्ड इन रेस्पिरेशन। देखिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है जिसमें ऑक्सीजन बनती है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इसके साथ साथ प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, यानी कि उसमें श्वसन भी होता है जिसमें वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। और ग्लूकोज का जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन करने पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, वाटर में, और यहाँ पे मिलती है एनर्जी जो कि ATP की फॉर्म में स्टोर करके रख ली जाती है। तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फूड के ऑक्सीडेशन करने पर एनर्जी प्राप्त होती है, और इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ पे है? बाहर के एटमॉस्फेयर में। तो बाहर के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको सेल तक पहुँचाना ये कहलाता है बाह्य श्वसन। और फिर सेल के अंदर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड को ऑक्सीडाइज करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करना ये क्या कहलाता है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन डे नाइट दोनों समय होता है जबकि फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय होती है। इसका मतलब ये है कि लगातार चूंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो लगातार ये CO2 को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात यह है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द ऑक्सीजन
दे यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जितनी ऑक्सीजन ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बैलेंस करके रखते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन करके वहाँ से एनर्जी प्राप्त करना, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, इस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि दो प्रकार का श्वसन हो जाएगा, एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एक होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के बिना होगा। आगे देखिए, रेस्पिरेशन को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने अभी आपको बताया था कि दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, जैसे मानव में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और फिर उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, ऑक्सीजन कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ये हमारे नॉस्ट्रिल यानी कि नासा छिद्रों से होते हुए ये चली जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों में जहाँ पे वायु कोष्ठिकाएँ होती हैं, जहाँ पे एल्वियोलाई होती है, और एल्वियोलाई में जब ये पहुँचती हैं तो वहाँ से ये डिजॉल्व हो जाती हैं ब्लड में, और चूंकि ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है तो ब्लड जब कोशिकाओं में पहुँचता है तो इसमें घुली हुई ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, कोशिका में, यानी कि एटमॉस्फेयर से ये कहाँ पे गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से ये गया फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से ये पहुँचा ब्लड में, और फिर ब्लड से ये कहाँ पे चला गया, सेल में। अब देखिए, कोशिकाओं में जब ये ऑक्सीजन पहुँच गया तो वहाँ पर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है। अब देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी तीन स्टेप होते हैं, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो देखिए, सबसे पहले सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होती है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ये तो स्मूथ होती है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ये उंगली नुमा उभार बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन पे ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम, इसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, और इसके साथ ही वो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है और बनाता है H2O। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको कौन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन।
और यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कुछ बैक्टीरिया होती है जहाँ पे ये ऑक्सीजन का यूज़ ना करके वहाँ पे ये सल्फेट आयनों का यूज़ करते हैं, और ये सल्फेट आयन का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना की। ये भी जीवधारियों का एक लक्षण है। जब भी किसी जीवधारी के सराउंडिंग में कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन होता है, तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं। तो बाहर से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उसके सराउंडिंग में, उसके एटमॉस्फेयर में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन है तो वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। और जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे देखिए, रिस्पॉन्स ऑफ आई डार्क एंड लाइट, जब भी डार्क से लाइट में या लाइट से डार्क में आप जाते हैं तो आई जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है। इसी प्रकार से देखिए कि वाइल्ड एनिमल रन्स अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, जब भी किसी जंगली जानवरों के सामने कोई लाइट फ्लैश की जाती है या आग वगैरह जलाई जाती है तो वो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ब्राइट लाइट जो है ये एक प्रकार का स्टिमुलस है, और जंतुओं का इस लाइट को देख करके उससे दूर भागना ये उनका रिस्पॉन्स है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं जो कि सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही सूर्य की रोशनी का मिलना बंद होता है फ्लावर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। तो अंधेरा होना यानी कि सनसेट हो जाना ये क्या है, एक प्रकार से स्टिमुलस है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, फ्लावर का क्लोज हो जाना। इसी प्रकार से देखिए कि कुछ प्लांट आपने देखा होगा जैसे कि मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई का पेड़ जिसको कहते हैं, यदि आप उसकी पत्तियों को स्पर्श करें, उनको टच करें, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीरे से मुरझा जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बाहर से पत्तियों को स्पर्श करना, उनको टच करना, ये क्या है, एक प्रकार का स्टिमुलस है। और स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कैसे यहाँ पे कर रहा है प्लांट, वो पत्तियों को सिकोड़ करके कर रहा है, यानी कि पत्तियों को टच करना ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का स्टिमुलस हो गया, और पत्तियों का सिकुड़ जाना ये क्या हो गया, एक प्रकार का रिस्पॉन्स हो गया। इसी प्रकार से देखिए, किसी प्लांट को यदि किसी कमरे में अंधेरी जगह पर रख दिया जाए जिसके आसपास कोई खिड़की हो जहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही हो, जहाँ से थोड़ी बहुत लाइट आ रही हो, तो आप देखेंगे कि प्लांट का जो स्टेम होगा वो धीरे धीरे जो है वो खिड़की की तरफ जो है वो झुकने लगेगा, यानी कि जिस तरफ से उसको लाइट प्राप्त होगी उस तरफ प्लांट जो है ग्रोथ करने लगता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से रेस्पॉन्स है। तो यहाँ पे लाइट क्या है, वो एक स्टिमुलस का काम कर रही है, और प्लांट के स्टेम का लाइट की डायरेक्शन में, लाइट की तरफ ग्रोथ करना ये क्या है, उसका रेस्पॉन्स है। तो यहाँ पे देखिए, अब आइए बात करते हैं एक्सक्रीशन की यानी कि उत्सर्जन की। अब देखिए, एनिमल जो होते हैं इनके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये इसको बाहर निकाल देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाई ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, यानी कि जीवधारियों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और इस जैसे मानव की बात करें तो मानव के लिए इनमें पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रोटीन के पाचन के बाद जो पदार्थ बनते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, ये ब्लड को छानता है, और ब्लड को छानने के बाद ये वहाँ से मूत्र का निर्माण करता है, और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ही सहायता से इसको शरीर के बाहर त्याग कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की यानी कि प्रजनन की। देखिए, जीवधारियों के द्वारा अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन क्षमता कहते हैं। यानी कि प्रत्येक जीवधारी में ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो अपने ही जैसा जीवधारी को वो बना सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा वो अपने ही तरह का ऑर्गेनिज्म बनाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, ये दो प्रकार का हो सकता है। प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वहीं एनिमल में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी इनमें देखिए दो प्रकार से जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव
एक का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि अंडे देते हैं, फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं। तो जो एनिमल एग का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीवीपेरस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले लक्षण की तरफ बात करते हैं कि जीवधारियों का अगला लक्षण है मोशन। देखिए, जीवधारियों में विभिन्न प्रकार की गति देखने को मिलती है, तो ये भी जीवधारियों का एक लक्षण है। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको एनिमल में देखने को मिलेगा। एनिमल में बहुत से प्रकार के आपको बॉडी मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं, चला सकते हैं, इसके अलावा वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, तो इनमें मोशन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में इस तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हों, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि प्लांट में भी मोशन होता है। जैसे देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, जैसे फूल का खिलना और बंद होना, यह भी क्या है, इनमें होने वाला एक प्रकार का मोशन ही है। ग्रोथ एंड बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड लाइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी प्लांट को अंधेरे कमरे में रखा जाए और उस कमरे में कोई एक खिड़की हो जहां से लाइट आ रही हो, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस प्लांट का जो स्टेम होगा वो खिड़की की तरफ, जिधर से उसको सनलाइट प्राप्त हो रही है, उस तरफ ग्रोथ करने लगेगा, उस तरफ झुक जाएगा। तो इस तरीके का जो मोशन है वो आपको प्लांट में देखने को मिल सकता है। तो आपने आज देखा कि जीवधारियों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उनमें जीवन पाया जाता है, उनमें लाइफ प्रोसेस पाई जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।